लिसनर्स, मैं हूँ मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपके साथ आपके मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, CMS 91.1 FM पे है। पहले तो मेरा रिपीट फ्राइडे को आता था तो मैं गुड मॉर्निंग भी बोलती थी, लेकिन अब रिपीट शो आता है वेंसडे को। सो आई डोंट इवन रिमेम्बर सुबह आता है कि इवनिंग में आता है, बट हर बार की तरह मैं आपके साथ हूँ मंगलवार की शाम 7 बजे। और इस बार जैसे कि मौसम ऑस्ट्रेलिया में जितना ठंडा हो रहा है, कैनबरा में जितना ठंडा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं कहूँगी क्योंकि कैनबरा में सबसे ज़्यादा ठंडा इस वक्त, उतना ही गर्माया हुआ है इंडिया में। जी बिल्कुल, इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है और आज चल रही है काउंटिंग, और पलड़ा दोनों तरफ भारी चल रहा है, किसी का ऊपर किसी का नीचे। मतलब आज लग रहा है कि टफ फाइट हो रही है। सब न्यूज़ चैनल्स, सब जगह कुछ भी ओपन कीजिए, सब जगह। और आई थिंक इट्स नॉट ओनली इंडियंस जो इंडिया में बाहर रहते हैं या हम यहाँ हैं तो हम देख रहे हैं, पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की जो नज़रें हैं इस वक्त वो इंडिया के इलेक्शंस पे है। इंडिया बीइंग द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, और मोदी जी ने जो अपना पूरा एक कहते हैं ना जलवा, पूरी दुनिया में एक जलवा बिखेरा, तो उस चक्कर में सबकी नज़रें आज इंडिया के इलेक्शंस पे हैं। जो इलेक्शंस के रिजल्ट जब तक मैंने देखे थे लास्ट, तो सब सेम चल रहा है। 298 समथिंग था शायद बीजेपी का, तो लेट्स सी आगे एक घंटे के बाद क्या आता है। सुबह से सबको वेट था अभी। और इलेक्शंस के साथ साथ जो जो हमारे उसमें उछाल आया है, सेंसेक्स में उछाल आया था कल, वाह, मतलब 23,000 और 25,000 पॉइंट्स गया है ऊपर पूरा इंडिया में कल, और इट लुक लाइक कि आज भी ऊपर जाएगा, लेकिन आज उतनी ही जल्दी क्रैश की है मार्केट। सो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है इलेक्शंस ने। तो देखिए, आज सुबह तो एकदम से क्रैश हो गई थी 3,000 पॉइंट्स। सो लेट्स सी कि जैसे जैसे शाम होती है भारत में, इंडिया में रिजल्ट फाइनल होते हैं, तो कैसी मार्केट का हाल होता है, कैसा होता है कल, और देखने में अच्छा लगेगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और अभी सब, आज मुझे लगता है कोई T20 वर्ल्ड कप के भी वो उस बारे में सोच नहीं रहा है, कि सब सोच रहे हैं कि आज इलेक्शंस का क्या हो रहा है। क्योंकि मैं भी सुबह से इवन एट वर्क मैंने एक दो बार ट्राई किया, चेक किया, जो
अपने इंडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उनका लाइव जाके कि देखिए क्या रिजल्ट बन रहा है, और रिजल्ट देख के तो लगा कि अरे अब की बार 400 पार का तो क्या हो गया, 300 पार हो जाए इस बार तो। चलिए देखेंगे और अगले हफ्ते इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे हम ज़्यादा बात नहीं करते पॉलिटिक्स की, लेकिन इट वुड बी फन टू नो कि कैसे आज सब वोटिंग और सीट्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है, गवर्नमेंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और उसी के साथ जैसे इंडिया में गरमाया हुआ है, वैसे यूएस में भी आजकल पूरे क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है। और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कनाडा और यूएस का इतना इंटरेस्टिंग मैच होगा। इट वाज सच इंटरेस्टिंग मैच कि कनाडा में इतने सारे इंडियन प्लेयर्स थे, क्या किया इन्होंने जाके यूएस से हार गए। अरे चलिए आगे और भी इंटरेस्टिंग मैच आएंगे। अभी कल कनाडा यूएस पापुआ न्यू गिनी, मतलब ऐसी टीम्स आई हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वेस्ट इंडीज़, ओमान की एक टीम आ गई है, एंड आई थिंक ओमान की टीम में भी बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं मिडिल ईस्ट में रही हूँ, तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारी टीम्स जो हैं उसमें 90% इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयर्स होते हैं। तो मैंने मैचेस तो नहीं देखे, एक तो टाइमिंग्स बहुत वियर्ड से हैं। और आज श्रीलंका साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीता है। अफगानिस्तान 125 रन से जीत गया। तो और हम वेट कर रहे हैं, इंडिया आयरलैंड का मैच है 6 तारीख को, और फिर हमारा वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड बेस्ट, जिसकी मतलब पूरी दुनिया वेट करती है, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी वही जनरेट करता है मैच, वो है जी इंडिया और पाकिस्तान का जो हो रहा है 9 जून को। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया टाइम रात को 12:30 बजे शुरू होगा। पता नहीं कौन कौन देखेगा, लेकिन फैंस तो देखेंगे सारे। मेरा तो पता नहीं, मैं देखूंगी रात को कि सुबह ही हाइलाइट्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए ये तो बात हुई हमारी क्रिकेट की, और जो इंडिया में चल रहा है, यस जो बुखार चल रहा है बिल्कुल अमेजिंग चल रहा है। चलिए मैंने कहा आज अगर इंडिया क्रिकेट की बात हो रही है तो शुरुआत आज क्रिकेट से ही करते हैं, क्रिकेट के गाने से जो सब जानते हैं। और हम हर मैच पे, हर सीरीज़ में, जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें भी, इंडिया में हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ अपने इंडिया को सपोर्ट करते हैं। मैं मनी आरजे मनीष तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ, दिल से हिंदुस्तानी हूँ जी। तो चलिए इसी बात पे इंडिया को थोड़ा सा बकअप करते हैं और उनको सपोर्ट भेजते हैं अपनी तरफ से। राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में,
तो चल सिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय होय तो चल सिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। सो लिसनर्स, ये गाना सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, लेकिन जो भी इंडिया में चल रहा है इस वक्त, जो वोट्स का और इलेक्शंस की जो मारामारी चल रही है, उसके लिए भी था कि चक दे इंडिया। कुछ तो आज शाम तक पता चलेगा क्या हो रहा है इंडिया में। चलिए, आज हम बातें तो कर रहे हैं, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में मेरे साथ एक गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है मेरे साथ। मैंने लास्ट वीक बोला था कि नेक्स्ट वीक आऊँगी मैं अपने गेस्ट के साथ स्टूडियो में, तो मेरे साथ हैं इस वक्त। बातें हमारी चलती रहेंगी, इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बातें चलती रहेंगी और जानेंगे उनके बारे में। और ये बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एक छुपी हुई पर्सनैलिटी निकाली है मैंने कैनबरा में से। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे गेस्ट के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में अभी हैं मनबीर उफ मनु। मैंने आपको पहले मिलते ही कहा कि मैं पूछूंगी नहीं कुछ भी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। अब तो मेरे वो कहते हैं ऑनेस्ट क्वेश्चन और रिएक्शन आएंगे, तो मनबीर बताइए अपने बारे में कुछ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे लिसनर्स को। वेल, सबसे पहले तो सभी रेडियो मनपसंद के लिसनर्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड नमस्ते एंड आदाब एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल आदाब। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मनी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड नाउ यस आई एम डाइंग टू नो। ऑलराइट, क्या जानना चाहेंगे आप? अच्छा, आपका पहले, अच्छा स्टार्ट करते हैं आपका, मैं आपका इंटरव्यू लेती हूं अभी। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम मनबीर सिंह। मनबीर सिंह, ओके। मनबीर आप कहां से हैं? मैं हूं कैनबरा से। कैनबरा से, ओ गुड टू नो। नहीं, मैं इंडिया से, मैं पंजाब से, अमृतसर से हूं। ओके जी, सो अमृतसर का लड़का मैं पकड़ के लाई हूँ, मुझे नहीं पता था सीरियसली। ओके, सो यू फ्रॉम अमृतसर, एंड आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, कितने टाइम से हैं ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक इट्स बीन 8 years नाउ। 2016 में मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था, पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो आफ्टर स्टडिंग 1 year देयर मैं सिडनी मूव कर गया, और सिडनी में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की, और देन कैनबरा में जॉब मिल गई, तो कैनबरा मूव हो गया। तो कैनबरा कितना टाइम हुआ आपको? कैनबरा में अभी 2.5 years ऑलमोस्ट है। बहुत है, ऑलमोस्ट कैनबरा। नो यू आर कैनबरियन। सो ओके, सो आप 2.5 साल से कहाँ छुपे हुए थे हमें? मतलब मुझे सिडनी से पता चल रहा है कि हमारे कैनबरा में एक आर्टिस्ट है जिसका मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा चलिए बुलाते हैं हवेली में आर्टिस्ट को। सो मनबीर इज अ सिंगर, डू यू राइट एज वेल एंड कंपोज योर म्यूजिक एज वेल? आई डू राइट माय सॉन्ग्स एंड कंपोज भी खुद ही करता हूँ, लेकिन पहले जो मैंने 3-4 सॉन्ग्स किए हैं वो ऑलरेडी किसी ने, राइटर्स पंजाब में जो है उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन कंपोज मैंने खुद किए। ओके, तो आपने जो अभी तक जितने भी आपने सॉन्ग्स किए हैं वो सारे पंजाबी हैं, हिंदी हैं, कौन सी लैंग्वेज में हैं? सारे अभी तक तो पंजाबी हैं। ओके, एनी प्लान्स टू गो इनटू हिंदी? पहले मेरे से क्लासेस ले लेना। डिपेंड करता है, अगर कोई अच्छा गाना मिलेगा तो व्हाई नॉट। ओके ठीक है, तो बढ़िया। तो आप जब आपके जो ये सिंगिंग का आपका सफर है वो बचपन में शुरू हुआ या जवानी में आके लगा कि यार आवाज़ अच्छी है चलो कुछ ट्राई करते हैं, या कोई ट्रेनिंग ली है पहले? नहीं, ट्रेनिंग तो अभी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में आके मैंने ट्रेनिंग शुरू की है, लेकिन जब मैं इंडिया में था तो स्कूल में ऐसे गाना स्टेजेस पे, इवेंट्स पे, फंक्शंस पे, फिर लेकिन तब कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा था, लेकिन तब था कि पढ़ना है एज लाइक टिपिकल जो घर में होता है, टिपिकल पंजाबी की, बस पढ़ना है। क्योंकि आई थिंक हमारे कल्चर में इन सब चीज़ों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा वो एक्स्ट्रा ही रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक पेरेंट्स उसको एक्स्ट्रा ही रहने देते हैं, पेरेंट्स उसको चाहते नहीं, वो उसकी इम्पॉर्टेंस पहले, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल तो इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं थी, उसको ये था कि एज अ हॉबी है तो हॉबी पे कौन ज़्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आई थिंक आजकल काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। अब पेरेंट्स लाइक
दे प्रेफर के हमारा बच्चा कोई को करिकुलर एक्टिविटी भी साथ में करे, लेकिन हमारे टाइम में तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ तो मैं भी एक दो साल तो पहले पढ़ ही रहा था यूनि में। फिर you know, आपके कनेक्शंस बनते हैं, आपके दोस्त बनते हैं। एक यूनि में एक दोस्त मिला, उसके थ्रू मैं किसी एक मेरे भाजी हैं हरजिंदर भाजी, उनको मिला। ही इज़ ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री, तो वो भी इवेंट्स वगैरह होस्ट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं इंडिया से म्यूज़िक सीखूं, जब उन्होंने मेरा म्यूज़िक सुना। और फिर मैंने इंडिया से क्लासेस लेनी शुरू की। अभी बॉम्बे में है मेरे उस्ताद जी हसरत जी, तो उनसे क्लासेस ले रहा हूँ। और रियाज तो चलता है, वो चलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आप? हाँ जी, ऑनलाइन। वेरी नाइस। मतलब ये देखिए, ये भी वो होती है ना, शिद्दत होती है कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू प्लान कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग। जी बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ ट्रू एग्जांपल कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनी आर्ट, एनी स्किल। बिल्कुल 100%। वाओ, चलिए अभी मनबीर से हम बातें करते रहेंगे। अभी तो जस्ट थोड़ी सी इंट्रो ली है, इसके बाद पूरा कहते हैं ना स्क्रूटनाइज करूंगी अभी मैं पूरा एक घंटा बस बातें चलेंगी। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पंजाबी इन द हाउस एंड अनदर पंजाबी बहू कहूंगी, उत्तराखंड की लड़की है नेहा कक्कड़, उसका बर्थडे है 6th of June को। तो मैंने सोचा अपनी तरफ से उनको विशेष भेजती हूँ और एक गाना प्ले करते हैं उनका सबके लिए। तो चलिए, हमारी तरफ से नेहा कक्कड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और इसी के साथ एक नेहा कक्कड़ के लिए और आप सबके लिए एक नेहा कक्कड़ का गाना। तेनु खबराई नहीं वे सानु सबराई नहीं वे साडे दिल नोड़े तेनु कदराई नहीं मैं बैठी कंडे कंडे तेने रचुपने हवा बा मैनू दसन तू आना अज सपने मैं खुश होई जावा ते घुमाई जावा उंगला वाला दे विच अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी रा तू आवे ता मैं पीवा तेरे पहला मरी हुई सी तेनू देखे ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई मैं तो पहला मरी हुई सी तेनू देखे ते फिर मर गई डूबी हुई कश्ती च सी तू हाथ लाया फिर तर गई गुस्से विच रहना चलना बोलदा ही नहीं देना तू जवाब मेरे खोलता क्यों नहीं रो भी न सकता कर शो भी न सकता लोग सच चपाई जावा अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी रा तू आवे ता मैं पीवा तेरे नाल ठंड लगदी मनु ठंड भी ना लगे चंदरी उंगला च फुला दी बना के पाई जावा वे मैं तेरे ना दी चन्ना मुंदरी ठंड विच लगनु ता ठंड लगदी मनु ठंड भी ना लगे चंदरी उंगला च फुला दी बना के पाई जावा वे मैं तेरे ना दी चन्ना मुंदरी लोकी हसदे मेरे ते केंदे चली मैं कदो तक तुरी जावा चन्ना चले कली मैं करना वे चन्ना तेरे नाल तूने जीना ले अपने मैं बूहे विच बैठ के उड़ी का तेरी रा तू आवे ता मैं पीवा तेरे नाल बह के जाते मिठे मिठे गल करिए ना मुके रात हो जान गल सचिए माहिया।
सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी। और अगर आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज है रेडियो मनपसंद, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम, और मैं अभी अपने इस ठाकुर मनी अपने इंस्टाग्राम पेज से लाइव हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एंड सेंड योर मैसेजेस, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं कैनबरा में और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन अभी बात करते हैं जो हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हैं स्टूडियो में, मनबीर। सो यस मनबीर, बकल अप, बताइए। हाँ, तो आपका आपका अभी जो सिंगिंग का चल रहा है, जैसे बचपन में पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? अभी तो मम्मा रोज यूट्यूब पे लगा के सुनते हैं गाने ना, दे हैप्पी, वो खुश हैं अभी कि स्टडी भी कर ली, जॉब भी कर ली, अब बंदा अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है, तो दे हैप्पी। यही ना, मतलब पेरेंट्स तभी हैप्पी होते हैं जब हमारे पास कुछ स्टेबल जॉब होती है, अदरवाइज दे आर लाइक कि नहीं करना है। आई टोल्ड यू ना, मेरे को डांस करना था, सीखना था, कभी सीखने नहीं दिया। नाउ दे आर लाइक ओके, जो करना है कर ले। हाँ, ऐसा है कि कभी रोका नहीं इन्होंने करने से। ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं जाता था इंटर स्कूल स्टेट वाइज, लेकिन ये भी है कि कभी पुश भी नहीं किया कि करो कुछ। सो वेरी न्यूट्रल। न्यूट्रल, हाँ जी। चलो, अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी, अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो हाउज लाइक, आप, मैं आपसे बात कर रही थी, आप पूछा कि आई डिडंट नो दैट यू आर इन कैनबरा, यू एग्जिस्टेड इन कैनबरा। सो क्या रीज़न है जब गाने आपके आए हैं, वाई डोंट यू थिंक कि आपको आगे जाके बाहर जाके प्रमोट करना चाहिए या कुछ ऐसा? वेल, जब मैं कैनबरा मूव हुआ था तो देयर वाज कोविड टाइम, ओके, लॉकडाउन, दो साल घर पे म्यूजिक करना, रियाज करना, लिखना, कंपोज करके इंडिया भेज देना, और उधर से इंडिया से गाना बन के रेडी आ जाना और यूट्यूब पे अपना कर देना उसको लॉन्च। प्रमोशंस वगैरह करता था ऑनलाइन, लेकिन नॉट एट अ बिग स्केल। ओके, ऐसे अभी धीरे धीरे जैसे अच्छा काम करते जाएंगे तो प्रमोट भी करेंगे। सो यू प्लानिंग टू गो फॉर सम लाइव शोज एंड इवेंट्स? जी बिल्कुल, अभी तक नहीं किया मैंने कुछ ऐसा कैनबरा में, लेकिन आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इट। थोड़ा ऐसे मैं आपको बता रहा था, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ अपनी जॉब पे जाता हूँ, फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, तो जब घर पे आते हैं अपना रियाज वगैरह करते हैं, और कभी इतना सोशल होने का मौका नहीं मिला। Okay. लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिलता है, विच आई थिंक I'm going to be more open. So why not? You need to be. So, वैसे मैं listeners आपको बता दूं, जो भी camera अभी हमें सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मनबीर is open for all the events, please. Oh yes, yes. बुलाओ, और आपको अभी live singing का भी एक demo दे देंगे थोड़ी देर में, आपको demo देंगे कि लड़का गाता कैसा है भाई सब। वैसे भी पूरी दुनिया में, मैं सोचती थी इंडिया में लोग जज करते हैं, लोग कैनबरा में भी जज करते हैं, तो अभी बैठ के जज करेंगे सुन के कि देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है इसके बारे में। दैट्स गुड। सो अभी आप जॉब क्या करते हैं? अभी मैं इंजीनियर हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, कैनबरा में बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, उनके डिज़ाइन करना, जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स या फिर ब्रिजेस वगैरह बनते हैं कैनबरा में, उनमें से कुछ डिज़ाइन मैंने खुद किए हुए हैं। जी, तो मैं ऑफ एयर पूछूंगी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। ऑन एयर भी पूछ सकते हैं। हाँ तो बताइए, क्योंकि मैं पूछ तो लेती, फिर बाद में बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं ये काम की चीज़ है तो उसको बीच में ऐड नहीं करते। हाँ बताइए, कौन कौन सी बिल्डिंग आपने की हुई है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं रहती हूँ गंगालिन के पास। गंगालिन में एक सियरा बिल्डिंग है, वो है एलडी के पास, अपार्टमेंट्स हैं, वो हमने किए हैं। और टेलर में भी एक हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं, उनका नाम है स्काई हाउस, वो हमने किए हैं। और सिटी में कार पार्क बन रहा है एक बहुत बड़ा, जो कि 20 स्टोरी होगा, वो भी मैंने डिज़ाइन किया है। मुझे पता कौन सी मूवी याद आ गई, एक कौन सी अवारा पागल दीवाना देखी है जिसमें अक्षय कुमार आता है? मुझे वो भी याद है। अरे ताजमहल तुमने बनाया, याद है वो। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो कार पार्क का मुझे याद आया। ताजमहल होटल आपने बनाया? नहीं, उसके सामने जो कार पार्क है। मुझे एकदम से वो क्लिक हुआ, जो ये मूवी मुझे इतनी पसंद है
मैंने 10-15 बार देखी है, वो कोई सेंस नहीं मूवी का, लेकिन वो मुझे सेंसलेस इतनी अच्छी लगती है वो मूवी। लेकिन ये जो आप अभी डायलॉग बोल रहे थे वो मीम भी बहुत फेमस हुआ, मैंने मेरे को मीम ज़्यादा याद है लेकिन मूवी का भी मुझे याद नहीं इतना। इट्स लाइक मैंने ताजमहल होटल बनाया, ताजमहल होटल तुमने बनाया, नहीं उसके सामने कार पार्क वो मैंने बनाया। या ओह गॉड, सो हाउ लाइक आप 9 to 5 जॉब करते हैं जी, और उसके साथ वीकेंड पे अपना पैशन फॉलो करते हैं। हाँ 9 to 5 जॉब करते हैं और घर आके शाम को रियाज करते हैं। नाइस। और बाकी जो घर की ड्यूटीज होती हैं, खाना पानी वो करते हैं, और वीकेंड पे हाँ अपना पैशन फॉलो करते हैं। तो अभी जैसे आप लिखते हैं तो लिखने के साथ फिर आपको पढ़ने का भी शौक होगा। हाँ मैं बुक्स वगैरह, जब से मैंने गाना शुरू किया है ज़्यादा तो मैं पंजाबी पोएट्री बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ। ओके। काफ़ी पोइट्स हैं जो मेरे पहले 3-4 गाने वो सभी मैंने उन बुक्स से लिए हैं। ओके। परमिशन ली है पोइट्स की पहले गाने से। ओके। और हाँ बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ता हूँ पंजाबी, मोस्टली पंजाबी। हाँ जी पंजाबी पोइट्री में, मतलब पोइट्री में बहुत वो इन्वॉल्वमेंट है उसका शौक। जी हाँ बिल्कुल। वाह। वही पोइट्री पढ़ के फिर उसको कंपोज करना और कंपोज करके एक प्रोडक्ट तैयार करना जो कि हम कहते हैं गाना। वाह 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 वाह। चलिए हमारे साथ ये पोएट कह सकती हूँ, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, ऑल इन वन हमारे स्टूडियो में आज है, एक ऑल इन वन पर्सनालिटी, ऑलराउंडर। चलिए इसी से, इसी बात पे, जब ऑलराउंडर की बात हो रही है तो मैं बता दूं, और पोइट्री की बात हो रही है तो कैनबरा में हो रहा है एक स्टेज प्ले, जी बिल्कुल लास्ट ईयर हुआ था, विविधा आर्ट एंड रेडियो 1% प्रेजेंट्स दिस प्ले, इट्स ऑन 22 June, और उसमें आप हमारे आरजे मनीष और हमारा लोकल आर्टिस्ट तरुण जैन, डॉक्टर तरुण जैन बिल्कुल, उनको भी देखेंगे। और दो प्लेज हो रहे हैं 22 June 4 PM to 7:30 PM। प्ले का नाम है, एक है एन आर्टफुल इवनिंग एंड अदर वन इज सुपरस्टार। जी तो प्रीमियर टिकट्स www.premiertickets.com पे टिकट्स अवेलेबल हैं, टिकट प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल, $25, $30, and $50, सो जल्दी से प्रीमियर टिकट्स पे जाइए और क्विकली अपनी टिकट्स ले लीजिए। बहुत ही अमेजिंग प्ले होने वाला है, लास्ट ईयर जो हुआ था विविधा आर्ट्स की तरफ से और रेडियो 1% प्रेजेंट्स जो प्ले था, हाउसफुल था, इट वॉज सो गुड एंड आई एम श्योर सब ने बहुत इंजॉय किया होगा। लेकिन अगर आपको टिकट्स की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉल ऑन 04218980095 और इस पर जाके आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गेट रेडी फॉर द प्ले एंड आर्टफुल इवनिंग, बहुत ही प्यारी इवनिंग होने वाली है, तो आइए और सपोर्ट कीजिए हम। मैं हमेशा आके यही बोलती हूँ कि वी बीइंग कम्युनिटी, कैनबरा कम्युनिटी, वी ऑल हैव टू सपोर्ट ईच अदर, तो हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी आइए। और प्ले कहाँ हो रहा है? हॉकर कॉलेज में हो रहा है, मैं भूल गई बताना। हॉकर कॉलेज में हो रहा है प्ले थिएटर में, तो आइए सपोर्ट कीजिए और आप सबको मिलते हैं। और हमारे सुपरस्टार आरजे मनीष उसमें हैं और बहुत ही अहम भूमिका में नज़र आएंगे, हमारे कैनबरा के आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट डॉक्टर तरुण जैन बहुत ही अहम भूमिका में नज़र आएंगे, तो आइए सपोर्ट अस एंड वी ऑल विल सी यू देयर। मेरे साथ अभी स्टूडियो में ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है और प्लेज हो रहे हैं सब, मतलब इतना आर्टिस्टिक जून आ रहा है, जून ऑलरेडी आ गया, सॉरी। इतना आर्टिस्टिक जून चल रहा है, वाह। तो चलिए अभी मैंने मनबीर से बात कर रहे थे तो मैंने सोचा चलिए मनबीर का एक गाना प्ले कर देती हूँ। सो व्हाट्स योर रीसेंट वन? रीसेंट वन मेरा आया था 2-3 महीने पहले, तू हंसे। ओके, तू हंसे मैं रो नहीं, तू हंसे खुशियां भी हंस दी। ओके, तो चलिए अभी मैं ये गाना आप सबके लिए प्ले करती हूँ और होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सॉन्ग। तू हंसे खुशियां भी हंस दे दी, तू रोए अथरू भी रो पे दे, तू जो आए इंतजार नू भी चेरा, तू जो जाए बेबसी भी बेबस हो जाए, तू हंस दी रहे मेरे सामने खुश होवा देख तेनू
दी रहे मेरे सामने खुश होवा देख तेनू तू जेड़े जेड़े राही जावे तेरे नाल नाल चलू तेनू पढ़दा हाँ तेरी तस्वीर बना के तू आवा करदा नाम तस्वीर तेरा हुण जपदा रवा खैर रब कोलो सदा तेरी मंगदा रवा कहदे फड़ ले मैं जग दे बथेरे नी हुण तेरे ही कह दे मैं पढ़दा रवा सो लिसनर्स, आपने अभी सुना ये गाना मनबीर की आवाज़ में और मतलब वेरी नाइस. थैंक यू. मतलब मैं ध्यान से सुन रही थी. आई वॉन्टेड टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग एंड नाइस. आई होप लिसनर्स ने सुना होगा एंड यू ऑल लाइक इट बिकॉज सबको ये लगता है पंजाबीज आर वेरी लाउड. वी ऑलवेज डू जस्ट भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा. कुछ होते हैं हमारे जैसे भी सूफी. हाँ, सूफी सॉफ्ट. हाँ, सूफी एंड सॉफ्ट एंड वेरी लाइक कामिंग काम वाला था बिल्कुल. एंड रिसेंटली आई थिंक उस लास्ट वीक आई प्लेड लास्ट टू लास्ट वीक मैंने गाना प्ले किया था उनका कंवर सिंह गरेवाल का माहिर अंग्रेज. इट वॉज सो नाइस एंड सूदिंग एंड आई वॉज लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि पंजाबी सिर्फ हंगामा और शोर मचाते हैं, हम सिर्फ शोर नहीं मचाते. कवर गरेवाल का आप कह रहे हो ना? हाँ जी. वो भी आए हुए आई थिंक कैनबरा आए थे लास्ट. हाँ, वो लास्ट कैनबरा आए थे. हाँ, वो मैं गई थी वहाँ पे शो पे. सो आई एम सेइंग कि गाने अच्छे हैं पंजाबी जो बहुत सूदिंग है. लैंग्वेज इज अ इशू बट लैंग्वेज तो हम साउथ इंडियन गाने भी सुनते हैं. हाँ जी. हम कन्नड़ा गाने, हम तमिल तेलुगु गाने भी सुनते हैं आजकल, चाहे समझ आए ना आए. मेरे दो तीन तमिल सॉन्ग है जो मुझे इतने पसंद है कि वो मुझे गाने आज तक समझ नहीं आया बट द म्यूजिक इज सो अमेजिंग कि मैं हमेशा सुनती हूँ वो गाने और मैं थोड़ा सा बस गा लेती हूँ फिर आई लिसन टू देम. सो मनबीर, लेट्स गेट बैक टू यू. अभी ये गाना इज you have 2-3 songs, they all are like very soft and soothing, right? हाँ जी, सारे mostly चार गाने हैं, चारों soft ही हैं अभी तक. तो आप खुद लिखते हो, right? हाँ, जैसे मैंने बताया ये पहला गाना जो मैंने खुद लिख के रिलीज किया है, लेकिन जो मेरे पहले पहले गाने हैं वो पंजाबी राइटर्स ने लिखे हुए हैं ऑलरेडी. ओके. एंड वो मैंने बुक्स पोएट्रिक जो पोएट्री बुक्स होती हैं उनसे उनमें से मिले थे और वो कंपोज करके गाए हैं.
ओके तो अभी जब आप खुद लिखते हो तो इट्स मोर इन यार यू आर इन टू यू आर गोइंग इन टू दैट पोएटिक फील राइट. तो मेरा क्वेश्चन ये है, लोग कहते हैं कि लड़के मोस्टली लड़के लड़कियों का पता नहीं लड़के पोएटिक तब होते हैं जब दिल दुल टूट जाता है या दिल लग जाता है, तो इज इट ट्रू? नहीं नहीं ऐसी कोई बात ऐसा नहीं, कुछ दिल नहीं है? दिल विल नहीं टूटा. नहीं नहीं दिल टूट गया या दिल लग गया कहीं पे तो यू बिकम मोर पोएटिक. अब पोएट्री क्या होती है, जब दिल लग जाता है तो यू आर इनटू मोर रोमांटिक पोएट्री, जब दिल टूट जाता है तो यू आर इनटू मोर सैड लाइक ब्रोकन हार्ट पोएट्री. इज इट ट्रू? मोस्टली हाँ ऐसा ही होता है. लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे साथ कुछ अभी तक ऐसा हुआ कि दिल टूटा और मैंने दिल टूटने वाले गाने लिख दिए या फिर ऑपोजिट, अभी तक कुछ अभी ऐसा मैं नहीं इसको हुआ. थोड़ा मैं इसको कोट करती हूँ कि ये मनवीर के पेरेंट्स सुनने वाले हैं. तो ही डजंट वांट टू से एनीथिंग, सो आंटी अंकल जस्ट इग्नोर है ना हम जो भी बात कर रहे हैं, सो यू कैन बी ऑनेस्ट. उनको मैं सुनाऊंगा नहीं. नहीं बट मैंने सुना है कि लाइक यू नो व्हेन यू आर इन दैट मोड यू आर मोर इनटू रोमांटिक पोएट्री एंड यू स्टार्ट राइटिंग, सो ऐसा होता है? क्योंकि आई एम नॉट इनटू राइटिंग एट ऑल. मैं तो मेरे को लिरिक्स याद ही नहीं रहते किसी गाने के, मैं तो लिखूंगी क्या? वो तो सबके साथ इशू है, मेरे साथ भी बहुत इशू है, मैं बहुत लिरिक्स बोलता हूँ. भूलते हो मेरे हाँ, को बहुत. भूलते होगे बीच में एक दो लाइन राइट, मेरे को सिर्फ एक दो लाइन याद होती है. तो लिरिक्स को बस कवर अप करना पड़ता है बेसिकली. Because you know how to write, what to write, so you can cover up. The person like me who don't have any idea about it. कुछ भी बोल दो. I cannot even cover up. So ऐसा कोई कुछ नहीं है मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Actually शुरू से ही जो मेरा स्वभाव है वो बहुत introvert, soft सारा है, ज़्यादा peppy नहीं हूँ मैं. और इसलिए I think वही reason है कि थोड़ा quiet की तरफ ज़्यादा हूँ. जो भी गाने होते हैं, जो भी कंपोजिंग करता हूँ उस मूड में करता हूँ जो थोड़े क्वाइट एंड सॉफ्ट हों. तो आप जैसे बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि व्हेन दे आर गोइंग इनटू दे हैव टू प्ले सम चैलेंजिंग कैरेक्टर दे गो इन दैट मोड, मतलब कमरे में बंद कर दिया या फिर बस उसके बारे में सोचते रहे, बार 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 सोचते रहे टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर. सो डज दिस हैपन टू यू व्हेन यू थिंक अबाउट कि मेरे को एक गाना लिखना है या गाना है, तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली अकॉर्डिंगली कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए आसपास अगर मैं कुछ हाँ, ऐसा लिख रहा हूँ? स्पेशली लिखने का तो है ही, जब लिखते हैं तो यू गो इनटू दैट जोन, तो उसमें फिर अब सोचते हैं कि क्या हो सकता है. ओके इस जोन में क्या हो सकता है, उस तरीके से लिखते रहते हैं. लेकिन स्पेशली क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है सिंगिंग में, तो जब मैंने कोई गाना रिकॉर्ड करना होता है तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन पहले उस जोन में चला जाऊँ, वैसे गाने सुनता हूँ. और अगर सैड सॉन्ग है तो सैड सॉन्ग ही सुनता रहूँगा, अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक सुनूँगा. जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो आई मेक श्योर द एनवायरनमेंट जो है वो वैसा ही रहे मेरे आसपास. ऐसा नहीं है कि अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, अब अंदर रिकॉर्डिंग सैड सॉन्ग की हो रही है और बाहर चल रहा है पंजाबी ऑन द बैटरी चार्ज. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो मतलब यू गो इन टू दैट जोन राइट? हाँ वो वाइब लेके आनी पड़ती है. हाँ बिल्कुल, अदरवाइज वो दिखता नहीं है आपके गाने में जब तक आप उस जोन में नहीं हो ना. वो इमोशंस वो नहीं निकल के आते जो आप कहना चाहते हो अगर आप उस जोन में नहीं हो बेसिकली. तो अभी जब आप सीख रहे हो म्यूजिक तो ये सब चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ दैट लर्निंग प्रोसेस कि कैसा इमोशन, कैसा इन्वायरमेंट, कैसी वाइब होनी चाहिए, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ. जी बिल्कुल, ये जब हम सीखते हैं रियाज में तो हमारा एक पार्ट ये भी रहता है कि हाउ टू थ्रो योर वॉइस बेस्ड ऑन इमोशंस, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा गाना है, उसके हिसाब से अपने अपनी वॉइस को थ्रो करना है और वैसा फील लाना है गाने में, तो ये सारा सीखने का पार्ट है. वाओ जी दैट्स सो कूल. लाइक मैंने ऑनेस्टली ऐसे किसी से मतलब इतना काम कंपोज वाला मेरा कभी एपिसोड हुआ नहीं. सो इसी को मैं चेंज करने वाली हूँ क्योंकि हमारा मूड बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि अभी हम बहुत सॉफ्ट जा रहे हैं, सबको लगेगा इसको क्या हो गया. तो मैंने कहा चलो इसको सॉफ्ट जो हमारा एनवायरनमेंट बना इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा चार्ज करते हैं और लेके आते हैं एक चार्ज फुल ऑन जो धमाके वाला गाना. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए. जोगी आवे मैनू इत्थों दूर ले जा तू, सीने विचों दिल कर दम घुटू, मुंदरा पुआ के नाले मज्जियां चरागे, मुंदरा पुआ के नाले मज्जियां चरागे, कीता जीना मुश्किल तू मेरा.
मैं तुझे बोलूं सच सच मचने लगी तू बेबी टू मच देखियो ना गिर जाए जुड़ना नहीं फिर हाय ये दिल तू दे दे अपने यार को लिसनर्स आई एम बैक वंस अगेन और मेरे साथ मनबीर है. मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल चेंज किया जाए बट मैंने आई थिंक वो 360 डिग्री टर्न दे दिया. चार चप हो गया सारा कुछ. तो अभी मैं मनबीर से बात कर रही थी तो इन्होंने बताया कि कैसे वो खुद को प्रिपेयर करते हैं इमोशनली और पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं जो जब म्यूजिक अपने मोड में जाते हैं. तो आप और आपका अदर देन सिंगिंग और क्या क्या पैशंस हैं, क्या क्या हॉबी है, क्या आपको पसंद है इसके अलावा? आई थिंक काम करते हैं फुल टाइम तो उसके अलावा सिंगिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं. इतना आई होप कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम होता दिन में तो कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन यही घूमना पसंद है. तो आई वॉन्ट टू ट्रैवल और यू वॉन्ट टू ट्रैवल और यू हैव ट्रैवल्ड. I haven't traveled a lot. Other than Canberra, Sydney? Nah, I've been to like Perth. I'm going to Brisbane ja raha hun next month. This month actually, end of this month. Okay. Lekin haan, cooking ka shauk hai. Cooking bhi karte hain. Oh, that's good. So, humare paas ek... cook bhi hai. Nahin, cook nahin bolungi, bolungi chef. Chef. Yes. So, what kind of cooking you like? Indian food. Only Indian food? Aloo ke paranthe. That's and bhature chole. So I would say he likes to eat or cook. Cook, eat. You, to eat. So to you, hai. You, wo to sabhi Punjabi karte chole bhature and you cook parathe. Haan ji. We should get his address and we all should go there. That he cooks chole bhature. Wow. So it's typical Amritsar wala khana he likes. अमृतसरी कुलचे भी ट्राई किए थे घर पे बनाने के लेकिन वो बात नहीं बनी. तंदूर नहीं होगा ना? तंदूर नहीं है. हाँ, बिना तंदूर के वैसा बनता है. वो कढ़ाई होती है उसको उल्टा करके. आई डू दैट. वो कोशिश की लेकिन वो कुछ और ही बन गया. मैं नॉर्मल जब तंदूरी रोटी बनाती हूँ तो आई डू दैट बट कुलचे मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टफिंग होती है तो मैं वो टाइम लगता है. हाँ, तो मैं वो लेना नहीं चाहती रिस्क. तो देखो हमारे साथ सिंगर है और साथ में हु लव्स टू कुक. या Who loves to cook, so we all have to go to his place क्योंकि he can cook छोले भटूरे which is like मेरे लिए तो next to impossible है. I cook normal खाना, I cannot cook this fancy food. तो listeners, आज मेरे साथ मनबीर है स्टूडियो में और मनबीर अभी on the spot आपको एक वो कहती हूँ एक job दे रही हूँ. वो job क्या है? वो job ये है कि हम आपको लाइव सुनना चाहते हैं. सो कुछ हमारे लिसनर्स को सुनाइए. जी जरूर. यस, ये मेरा आई थिंक सेकंड सॉन्ग था. पंजाब के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं सुखविंदर अमृत जी. जी, उनका लिखा हुआ है और उनकी परमिशन से आज आपको मैं सुनाता हूँ. बिल्कुल, चलिए. ओपन द लिरिक्स. यस. ओह, सो मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनको लिरिक्स याद नहीं होते. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत सारे सभी को ऐसे होता है. नहीं, यहाँ पे ना रेडियो मनपसंद एक इवेंट करवाता अंताक्षरी, उसमें जो लोग गाने गाते हैं मतलब मेरे को लगता है मैं कभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बिकॉज आई एम सो बैड विद लिरिक्स बट पीपल कम अप विद लिरिक्स ऐसे ऐसे कि मैं ऐसे शॉक हो जाती हूँ. वाओ, पीपल हैव टैलेंट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम मनबीर को सुनते हैं लाइव. यस, ओके. सो सॉन्ग का जो नाम है वो है इश्क दा स्कूल. ओके. जहर पीता नहीं ओ जाना सूली चढ़िया नहीं जाना औखा इश्क दा स्कूल ते थों पढ़िया नहीं जाना
जहर पीता नहीं हो जाना एता जग नालों वखरी पछाण पालदा सदा मथे उत्ते मौत दा निशान पालदा एता जग नालों वखरी पछाण पालदा सदा मथे उत्ते मौत दा निशान पालदा खंब आशिकां दे नोच के उड़ान पालदा एदा इक वी तसीहा तेथों जरिया नी जाना ओखा इश्क दा सकूल तेथों पढ़िया नी जाना जहर पीता नहीं ओ जाना अमेजिंग मेरे फोन मैं ना एक्चुअली लाइव कर रही हूँ तो मैं आई रियली वांटेड टू क्लैप कैन यू क्लैप प्लीज मैं मेरे हाथ में फोन है ना आई रियली वांटेड टू क्लैप इट्स सच अमेजिंग वॉइस वाओ मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हिडन जेम था कैनबरा में अभी हमने ढूंढ लिया है तो अभी हम हिडन जेम को लेके आएंगे बाहर कि भाई तुम आओ बाहर कहाँ छुपे हो बिल्कुल मतलब वाओ एंड अगर मतलब यू कैन ओपन द लिरिक्स कोई हिंदी गाना हमारे लिसनर्स के लिए हो जाए कोई हिंदी गाना जो भी यू लाइक मतलब कोई भी जो आपको पसंद हो हिंदी तो बहुत सारे हैं आई मीन कोई अरिजीत का सुना देते हैं ओ यस व्हाई नॉट मतलब हिंदी वुड बी कि लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे जिनको पंजाबी नहीं आती दे कैन कनेक्ट मोर टू हिंदी सॉन्ग तो कोई हिंदी सॉन्ग हो जाए खैरियत एनीथिंग जो भी आपको लगता है कि आप अच्छे से गा सकते हैं एनीथिंग एनी हिंदी सॉन्ग खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है अंजाम है तै मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं ये दूरियां फिलहाल हैं हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है वाह थैंक यू वाह क्या बात है मतलब आई एम फैन वाह वाह शुक्रिया पता है जो लाइव गाना बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल हाँ बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बहुत मुश्किल होता है गलतियां पकड़े जाने का डर ज्यादा आता है थैंक यू वेरी नाइस वाओ मनबीर मैं आरजे मनीष को बताना चाहूंगी मैं एक लोकल टैलेंट लेके आई हूँ ऐसे कैसे वाह अमेजिंग चलिए थैंक यू वेरी मच मनबीर थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स जो मतलब लाइव गाया आपने वाह थैंक यू वेरी मच एंड इसी के साथ मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि कैनबरा में अभी 8th और 9th जून को हो रहा है रामायण का अखंड पाठ तो 10 AM से लेकर 9th जून 10 AM तक होगा और कंटिन्यूस होगा और ये होगा विष्णु शिवा मंदिर 82 मौसन ड्राइव जो मौसन में है सो प्लीज़ आप आइए और अपनी हाजिरी लगवाइए सब लोग आके वहाँ पे और आपको वहाँ पे आज मनीष मिलेंगे मैं भी मिलूँगी और बहुत सारे लोग होंगे हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं 0403765989 पे और जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जी चलिए और इसी के साथ अभी मनबीर के कहाँ मेरा मन नहीं करा मैं कुछ और मैं आई रियली वॉन्टेड यू टू सिंग मोर आई वॉन्ट यू टू सिंग मोर बट हमारे पास टाइम की भी कमी है और इसी के साथ एक गाना आप प्ले करते हैं इसके बाद I really wanted you to sing more. और अरिजीत अभी आ भी रहा है
अरिजीत अभी सिडनी में आ रहा है जुलाई में. हाँ जुलाई में, आई थिंक 13th ऑफ जुलाई. हाँ 13th ऑफ जुलाई, एंड आई विश वो कैनबरा में आए, बट आई डोंट थिंक सो. इनसाइड टिप है, मैंने सुना है कि वो कैनबरा आ रहा है. अरेंज कर रहे हैं लोग जियो स्टेडियम में, बिल्कुल, बट आई एम नॉट श्योर. ये आपने ना ऑन एयर ना बहुत बड़ा र्यूमर फैला दिया. मजाक कर रहा था. एंड द डैमेज हैज बीन डन, डैमेज हैज बीन डन. आपने जो र्यूमर फैला दिया ना ऑन एयर, वाह. अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ जाएगा. आई थिंक कैनबरा में इनफ इंडियंस हैं कि उसका स्टेडियम भर जाएगा. इनफ इंडियंस हैं, बट कैनबरा में उतनी जगह भी होनी चाहिए ना. नहीं, बेलकॉनन में जो जियो स्टेडियम जहाँ पे मैच वगैरह होते हैं. बट अगर बारिश आ गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. कैनबरा का वेदर भी तो इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना. वैसे शो तो इनसाइड ही होना चाहिए, इंडोर ही होना चाहिए. हाँ, इंडोर बेटर होने चाहिए. पर इंडोर अगर अरिजीत का शो कैनबरा में होता है विद इन फ्यू आवर्स, जैसे सोनू सूद का भी, सोनू सूद कह रही है, सोनू निगम का. एक्चुअली मैं जा रहा हूँ सोनू निगम का ओपरा हाउस. ओपरा हाउस में हाय, आई रियली वॉन्टेड टू गो, बट मैं कोई डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ. और फर्स्ट शो सोनू निगम का विद इन 4 आवर्स सोल्ड आउट हो गया था जी. तो दे एडेड अनदर शो. हाँ, लकी था, बलजिंदर बाजी है मेरे उधर. तो हाँ, जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, जिन्होंने हाँ, मुझे बोला था, जिन्होंने मुझे बोला अरे मनबीर को बुलाओ अपने स्टूडियो में. बिल्कुल वही वाले जो फोटोग्राफी करते हैं जी, उनके थ्रू, क्योंकि टिकट तो सोनू निगम के भी सारे सोल्ड आउट हो गए थे. मैं भी उन्हीं के थ्रू जाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं जाऊं कि ना जाऊं. लेकिन हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं बलजिंदर, ही केम हेयर कैनबरा वैसाखी मेला पे, उन्होंने फोटोग्राफी की थी यहाँ पे, और बहुत सारे इवेंट्स पे यहाँ पे आए हैं. गुरदास मान के साथ आए थे जी. यस, तो और मैं अभी सिडनी गई थी, तो मैं उनको मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मनबीर से तो भैया आओ, और इतना टैलेंट है आपके, कैनबरा में टैलेंटेड लड़का है, आप कहाँ छुपा के बैठे हो. तो और मैं आपको आज बता दूं कि हमारे अभी 2-3 दिन में वर्ल्ड साइकिल डे, वर्ल्ड मिल्क डे, मतलब दैट वाज द वियर्डेस्ट डे मैंने कभी सुना हो. लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे इज एन इंटरनेशनल डे एस्टैब्लिश्ड बाय अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क ग्लोबली. वाओ, ऐसे भी डे होते हैं, मतलब इंडिया में रह के कहाँ हमें पता था कि ऐसे भी कौन से डे होते हैं. जैसे इंटरनेशनल सन्स डे, डॉटर्स डे, डॉग्स डे, ये भी होते हैं. अच्छा हाँ, आज इंटरनेशनल कॉर्जी डे है. देयर इज अ ब्रीड डॉग्स की, उसका डे है आज. यस, इंटरनेशनल कॉर्जी डे है. सो इफ यू हैव अ दैट क्यूट सा डॉग तो कांग्रेचुलेशंस. और वर्ल्ड साइकिल डे है. आई थिंक साइकिल डे तो होना भी चाहिए, वो इसलिए कि आजकल इंडिया में तो खैर स्टेटस हो गया कि साइकिल पे तो कोई जाता ही नहीं है. अच्छा, वो साइकिल कह रहे हो आप? हाँ, और कौन चलाने वाला? और कौन कोई साइकिल? आई थिंक आई डोंट नो. मैं सोच रहा हूँ वर्ड साइकिल दे क्या क्या मतलब हुआ इसका. कौन सा साइकिल है? नहीं, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं ना, जैसे किसी चीज का साइकिल होगा. नहीं नहीं, किसी और चीज का साइकिल नहीं, वर्ल्ड साइकिल, बाइसिकल, और यहाँ पे बोलते हैं बाइक. हाँ, बाइसिकल, बाइक, बाइक. सो वर्ल्ड साइकिल डे है, और आई बिलीव ऐसे डेज तो होने भी चाहिए, लोगों को साइकिल यूज करना चाहिए. हम सब, कैनबरा में वेदर ऐसा है कि आप हवा चलती है तो नहीं यूज करते हैं, बट जहाँ हो सके यूज करना चाहिए साइकिल, इट्स कीप्स यू हेल्दी. मेरे ख्याल से कैनबरा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, कैनबरा में बेटर है. काफी लोग जो हमारे ऑफिस में भी आते हैं वो भी साइकिल्स पे आते हैं. वो इसलिए आते होंगे ना, पार्किंग नहीं मिलती होगी. Could be reason, पर चला तो रहे हैं. That's true. पार्किंग के चक्कर में बहुत लोग साइकिल चलाते हैं. और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5th, आज कौन सी डेट है, कल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सो साइकिल डे, एनवायरनमेंट डे, आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड. सो पीपल, वी ऑल शुड लुक आफ्टर आवर एनवायरनमेंट एंड यूज साइकिल्स. कार्बन एमिशन कम कीजिए. और फिर उसके बाद हम ये सब साइकिल की तो बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम ओवरसीज फ्लाई करते हैं तो हम जाते हैं एयरक्राफ्ट में, उसमें क्या कर रहे हैं, हम सेम चीज़ कर रहे हैं. सो जितना कर सकते हैं करना चाहिए जितना कर सकते हैं करना चाहिए. बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर हम बोट से जाते हैं तो हम पानी को ख़राब करते हैं. सो आई होप कि सब अभी जो मौसम चल रहा है इसमें पूरा रैप अप कीजिए खुद को अच्छे से, स्वेटर और मफलर और स्कार्फ्स में, और चलिए साइकिल पे. मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जो साइकिल का रहा है वो है, मैं कॉपेनहेगन में थी एक बार डेनमार्क में, एंड everybody was on cycle. मतलब really? Yes, वहाँ पे 60-70% लोग साइकिल यूज करते हैं ऑफिस जाने के लिए, एंड पीपल आर सूटेड बूटेड, नाइसली सूटेड बूटेड, एंड देवर वेयरिंग, वो साइकिल पे जा रहे हैं. एंड
इवन जो मदर्स या फादर जो साइकिल पे जाते हैं दे हैव ट्रॉली फॉर द किड्स स्कूल ले जाने के लिए. तो मतलब वहाँ पे मोस्टली हर गली में साइकिल रेंटिंग का शॉप भी है. तो व्हेन आई वाज देयर मैंने साइकिल रेंट करके पूरे सिटी का टूर लिया था. एंड आई थिंक वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और दे आर द वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयर पॉल्यूशन टाइप पॉल्यूशन के हिसाब से दे आर वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज. दैट्स व्हाई यस. अब स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क दे ऑल लव साइकिल्स. सो आई थिंक आई बिलीव उनको बेचारों को गर्मी भी कम मिलती है ना, मोस्टली ठंड रहती है. हाँ, उस जोन में जो साइड है वो ठंडा ही होता है. बट साइकिल बहुत चलाते हैं वहाँ पे लोग. सो दिस इज द राज सीक्रेट. ठंडा तो इधर भी बहुत, लेकिन हम फिर भी नहीं चलाते. एग्जैक्टली. सीक्रेट टू कीप कंट्री क्लीन एंड पीपल हेल्दी. और जब तक हम लोग ही हेल्दी नहीं होंगे तब तक कंट्री भी हेल्दी नहीं होगी. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी टेड टॉक खत्म होती है. आई गिव अप माई टू मच ऑफ टेड टॉक एवरी वीक की स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी. That's what I wanted to say on World Environment Day. Plant more trees. This is for listeners who are in India. Plant more trees. मतलब अगर आपके घर में दो बेटे हैं तो दो घर ना बनाइए, दो चार पेड़ लगा लीजिए. Right? और एक कटोरे में पानी डाल के बाहर रख दीजिए. Yes, आज गर्मियाँ बहुत चल रही हैं. So it's approaching 50 degrees. So please keep water for the animals, stray animals and birds. Eight. जस्ट ये सोचिए कि जब हम बाहर से आते हैं तो हमें कितनी प्यास लगी होती है, बुरी हालत होती है. तो उस हिसाब से सोचना चाहिए सबका. और मनबीर कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को जाते जाते आज? जी थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. और लिसनर्स से ये कहना चाहूँगा, ठंडी आ रही है. कैनबरा की ठंडी वैसे भी बहुत, मुझे दो साल हो गए हैं कैनबरा में, अभी भी उसको मैं कर नहीं पाया कि इस ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाया. तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ गेट यूज टू होने की. लेकिन मेक श्योर आप रैप अप रहें और अपना ख्याल रखें. Thank you. See you next time. Thank you. Yes, I will see you somewhere around Canberra. अभी आपको पकड़ के रखेंगे और जाने नहीं देंगे. So listeners, this is it from my side today on Tuesday. So आपको मिलती हूँ अगले मंगलवार नए गेस्ट और नए शो के साथ. तब तक be healthy, stay warm and good night. Shabba khair. See you. Tada. Bye bye. चलिए जाते जाते मैं मनबीर का एक फेवरेट सॉन्ग प्ले करती हूँ. सो प्लीज ब्यूटीफुल सॉन्ग. यस सो सज्जाद अली द बेस्ट. यस सो कीप लिसनिंग एंड बी विद रेडियो 1% 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के. थैंक यू. मैंने एक किताब लिखी है. मैंने एक किताब लिखी है. उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है. तेरा नाम. मैंने एक किताब लिखी है. उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है. तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है. तेरा नाम. ओ दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी. लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज. दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें ही लिखी. लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज, आती है आवाज. मैंने जो आवाज सुनी है. नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मन पसंद, आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ.
24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।